हो गया हेलो रिवन गुड मॉर्निंग जल्दी से जल्दी बताइए आपको आवाज आ रही है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी चलिए करते स्टार्ट आवाज क्लियर है चलिए सो so, आज हम डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के आ, कुछ क्वेश्चंस बहुत टाइम से आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए बात कर रहे थे कि आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए तो अभी क्लास इसमें डिस्कस करेंगे और प्लस जो है आ, जो पेड कोर्स में उसमें तो आती ही रहता है चलो बढ़ते हैं आगे तो आज हम डिस्कस करेंगे आज हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इस क्लास को लेकर आ रहा हूँ मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको 100 परसेंट यहाँ पर फॉलो करना है क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं यहाँ पर सारी क्लासेज यूट्यूब की क्लासेज पी सब कुछ यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी और जी मेल के ऊपर अपना कोई भी अगर आपका इंडिया का कोई भी एग्जाम होता है कोई भी चाहे लोअर लेवल हाई लेवल कुछ भी तो आप मुझे यहाँ पर सेंड कर सकते हैं इस ई मेल के ऊपर क्लियर जैसे आज हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगर आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पॉलिटी हिस्ट्री जोग्रफी सारे टॉपिक्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं टेन थाउजेंड एम सी कोर्स जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है एम सी यू डिस्कस करते हैं डिटेल में यहाँ पर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो है ही है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के और प्लस यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलता है तो मॉक टेस्ट के लिए कोई अलग से परचेज करने की भी जरूरत नहीं है और इसमें विपन ट्वेंटी फाइव कूपन कोड आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा जी एस कोर्स की बात करूं ये हमारा पूरा का पूरा थेरी कोर्स है बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग क्या है वो यहाँ पे हमने समझा है अब आप इन कोर्सेज़ को कहाँ से ले सकते हैं दो जगह से या तो स्टडी आई क्यू ऐप से ले सकते हैं या हमारी वेबसाइट स्टडी आई क्यू डॉट कॉम जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको यहां पे स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज यहां पे देखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन इसको दबाना जीएस कोर्स आपको तीसरे नंबर पर नजर आएगा टेन थाउजेंड कोर्स आपको चौथे नंबर पर नजर आ जाएगा जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे परचेज करे प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं क्लियर और हम मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट जो है मैंने ग्यारह अपलोड कर दिए हैं यहां पे सो जैसे ही आगे कोई मेरा प्लान बनता है तो मैं आपको बताऊंगा तो 11 अपलोड हो चुके हैं तो इसको तो अटेम्प्ट कीजिए और ये आते कहाँ पे हैं 10,000 थाउजेंड एमसी कोर्स में जिसमें जो होता है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन चलिए जी फटाफट आंसर बताइए जी साइड पे हो जाते हैं ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर प्राइमेट कंप्राइसिंग मंकी गोरिला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमिलिया अलोंग विद अदर अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोर दैट इंक्लूड्स देखिए जी मंगी गोरिला, गिबोन को जो है क्लास मेमिलिया में आपको बोला गया है हम भी मेमल कैटेगरी में आते हैं मतलब क्लास मेमिलिया में आते हैं तो ऐसे ही कुछ अदर कार्निवोर्स, कार्निवोर्स का मतलब जो है जो फ्लैश यानी कि मीट मीट खाते हैं ठीक है मीट खाते हैं तो उनको कार्निवोर्स कहा जाता है तो इनमें वो कैटेगरी कौन सी है जो कार्निवोर की कैटेगरी है जिराफ केमिकल एलिफेंट क्रोकोडाइल लिजर्ड स्नेक लाइन लिपल टाइगर और टाइगर कैट्स और डॉग्स तो कार्निवोर की जो कैटेगरी है यहां पे है फोर्थ नंबर यानी कि बाघ बाघ बिल्ली और कुत्ता ठीक है सो दीज आर द मीट ईटिंग समझ आया आप लोगों को यस सो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर टाइगर जो है हमारा नेशनल जो है एनिमल है इसका नाम है डेट इज साइंटिफिक नेम इज पैंथरा टिग्रिस और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था दैट इज नाइनटीन सेवेंटी थ्री उन्नीस सौ तिहत्तर में चलिए जी आंसर नंबर फोर इज द आंसर और ये आपको साइंस का क्वेश्चन में आ जाता है कि आप बताइए कि सबसे ऊपर टॉप मोस्ट के ऊपर क्या होता है किंगडम देन फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीशीज क्लियर स्पीशीज वो होती हैं जो आपस में इंटरब्रेट कर सकती हैं और बच्चे पैदा कर सकते हो सो स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम और किंगडम किंगडम इज द सुपरफिशियल क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी से जल्दी आंसर बताना है ध्यान से समझ के ये कुछ जेनेटिक जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन के ऊपर आता है जीएम क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन है ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को और इसमें इसने पूछा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है तो स्टार्ट नंबर स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट इन बीटी कॉटन ए ट्रांसजेनिक प्लांट बीटी रेफर्स टू क्लॉस्टेडियम थ्रजेसिस जो बीटी कॉटन है बीटी कॉटन में बीटी जो है एक बै, बैक्टीरिया है डेट इज कॉल्ड बैसिलस थुरेंजियासिस बैसिलस थुरेंजियासिस क्लियर ये एक बैक्टीरिया है कॉटन के अंदर डाल दिया जाता है वो इसीलिए ट्रांसजेनिक मतलब क्योंकि आउटसाइड आउटसाइड मतलब बाहर से चीज डाली गई है और ये क्लोस्टीडियम थ्रेंजियासिस को डिनोट करता है ये गलत हो गया ये बैसिलस फ्रेंजियासिस को डिनोट करता है तो पहला ऑप्शन गलत जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो ये गलत हो गया ये गलत हो गया ठीक है तो मतलब सी या डी में आंसर बनेगा बी टी जीन इज फ्रॉम ए फंगस फंजाई फंजाए से है गलत ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि बी टी जब मतलब वो जो है बैसिलस क्या होता है बैक्टीरिया से आपकी जो है स्टार्ट हुई हुई है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें सेकंड है तो इसका आंसर क्या बनेगा डी नन ऑफ द अब बट देखते हैं तीसरा पॉइंट भी लिमिट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज़ बीन प्रोड्यूस बाय इंसर्टिंग बी जीन ये भी गलत है तो ये आपको बताया है कि बैक्टीरिया है आपका ट्रांसजेनिक कॉटन वाला समझ आया आप लोगों को तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यस आंसर नंबर डी आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कोई भी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है आंसर नंबर इज़ द राइट वन चलिए अगला क्वेश्चन बताइए ध्यान से पढ़े इस क्वेश्चन को क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है बिसाइड्स रेजिस्टेंस टू पेस्ट मतलब जो भी आपकी पीड़ वो होती हैं डेट इज प्रतिरोधक हैं पेस्ट हैं आपके पीड़क हैं वो बिसाइड रेजिस्टेंट द पेस्ट व्हाट आर द अदर प्रोस्पेक्ट फॉर विच प्लांट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड जेनेटिकली इंजीनियरिंग के लिए जो है आपकी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है ठीक है वो पेस्ट से रेजिस्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इससे क्या फ़ायदा हो सकता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो आपकी क्रॉप होती है टू इनेबल देम टू विदस्टैंड स्टैंड यानी कि सूखे को सहन कर लेती हैं ये पॉइंट सही है टू इंक्रीज द न्यूट्रिटी वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस जो आपने प्रोडक्शन करी है जेनेटिकली इंजीनियरिंग से उसकी न्यूट्रिटी वैल्यू कि पोषक तत्व बढ़ाए जा सकते हैं ये भी सही है टू इनेबल दैम टू ग्रो एंड डू फोटो सिंथिसिस स्पेसिप एंड स्पेस स्टेशन बिल्कुल हम इसको ऐसे ग्रो कर सकते हैं कि वो स्पेस स्टेशन में भी फोटो सिंथिस कर पाएं बिल्कुल सही है टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ यानी कि उनको प्रिजर्व करने की उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ये चारों के चारों पॉइंट आपके सही हैं तो आंसर क्या बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा राइट आंसर ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर क्लियर ऑल ऑफ दीज वन टू थ्री फोर इज द राइट वन वन टू थ्री फोर टू थ्री फोर इज द करेक्ट आंसर यस नंबर फोर इज द राइट वन यस नंबर फोर क्लियर हो गया नंबर फोर चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए जी हां जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो मॉडिफाइड क्रॉप होती है उसमें डीएनए चेंज कर दिया जाता है उसका अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बायो मतलब लिविंग बींग डाइवर्सिटी विविधता मतलब क्या हो गया कि एक एरिया के अंदर पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज अगर रह रही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं डेट इज अ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है अब क्वेश्चन यहां पे ये है हु क्वाइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी है uh, ये क्वाइन किसने करी है ये टर्म तो ये क्वाइन किसने करी है बताइए फटाफट ऑप्शन में यस विल्सन बारनेस और बेयर्ड्स किसने किसी में नहीं आंसर नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये टर्म किसने दी है वॉल्टर वॉल्टर रॉसन वॉल्टर रॉसन ने दी है ये टर्म समझ आया आप लोगों को वॉल्टर रॉसन वॉल्टर जी रॉसन तो आंसर क्या बनेगा इसका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर यस आंसर नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर आंसर नंबर फोर बायोडिवर्सिटी वॉल्टर जी रोशन तो आंसर नंबर फोर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दिस इज द करेक्ट वन वॉल्टर जी रॉसन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वाइट द टर्म बायर्सिटी क्लियर हो गया मैंने जैसे आपको बताया है कि बायडिवर्सिटी एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीशीज जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज रहती हैं उसको बायडिवर्सिटी कहते हैं चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बताना है जो ब्लैकबक के लिए आया है वो सिटी और स्टेट बतानी है आपको ब्लैकबक के लिए जो है आपका काले हिरण को प्रिजर्व करने के लिए संरक्षण के लिए इनमें से कौन सा जो है आपका आ, जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है कहाँ पे बनाया गया है सिटी और स्टेट बताना है तो डैट इज इन द इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यहाँ पे बनाया गया है ब्लैक बक के लिए सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को यस आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर एक चीज मैं आपको बता दूं इसको हम रिलेट कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको पूछा प्रोटेक्शन एक्ट दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है ये डैट इज़ नाइनटीन अगर आपको पता हो हम इसको डिनो हम इसको लेके जा सकते हैं पॉलिटिकल टर्म में भी आर्टिकल 48 ए जिसमें वो बात क्या करते हैं प्रिजर्वेशन की बात करते हैं आपकी संरक्षण की बात करते हैं इन्वामेंट को सेफ करने की बात करते हैं वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने की बात करते हैं क्लियर हो गया आप लोगों को वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर फिफ्टी ए 51 ए जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें भी हमारा एक ड्यूटी होती है कि हम नेचुरल फॉरेस्ट लेक्स uh, वगैरह को जो है हमने बचाना है क्लियर हो गया आप लोगों को ए में लिखा गया है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को यस ब्लैक बक दैट इज इन द अलाहाबाद उत्तर प्रदेश अलाहाबाद उत्तर प्रदेश सो ही इज द ब्लैक बक चलिए अगला आंसर बताइए जी सो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है ये द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द हार्मफुल हैजार्डियस पॉल्युटेंट इन इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं और हार्मुल जो प्रोडक्ट हैं पोलुटेंट हैं उसको हम डिग्रेड कर देते हैं और उनको जो है खराब जो खा हा मतलब प्रदूषक हैं उसको उपयोग में लाने के लिए कौन सा आपका मेथड यूज़ किया जाता है ये क्वेश्चन है आपका यस yes. बताइए कौन सा मेथड होगा तो इसका आंसर क्या बनेगा सो डैट मेथड इज कॉल्ड बायो उसको क्या कहते हैं हम बायो बायो मतलब लिविंग बींग्स रेमिडिशन नेचर को आपको प्रोटेक्ट करके रखना जब हम बायो में जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं ताकि जितने भी आपके कॉन्टेमिनेट्स हैं पॉलुटेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हैं और ह्यूमन रिस्क के ऊपर हैं उसको बचाया जा सके अब आप कहेंगे कि सर इसमें जो है माइक्रो रेमिडिशन भी बन सकता है माइक्रो रेमिडिशन में भी बिल्कुल आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं लेकिन एक चीज ध्यान रखना है इसमें हम क्या करते हैं इट लोअर्स इट लोअर्स द दॉल्यूटेंट समझ आया यस yes. क्लियर हो गया? इट ऑफ़ मतलब जो पॉल्यूटेंट है उसको कम कर देते हैं और स्पेशली कौन से ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को ऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट को क्लियर हो गया आप लोगों को ये ध्यान रखना समझ आया आप लोगों को और ये क्या करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से समझिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने यूज़ किया और हार्मफुल जो हजारडियस पॉलिटेंट्स है इन्वायरमेंट में उसको ख़त्म कर दिया दैट इज कॉल्ड बायो रेमिडिशन अब माइक्रो रेमिडिशन में क्या होता है इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं लेकिन जो टॉक्सिसिटी आपकी इन्वायरमेंट में फैल चुकी है उसको आपने कम कर दिया और आपके जो और और वो कौन सी टॉक्सिसिटी मेनली ऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स जो होते हैं वो और इससे क्या हो गया इकोसिस्टम को लेस टॉक्सिक बना दिया आपने सो so, वो होता है माइक्रो रेमिडिशन नैनो रेमिडेशन क्या होगा नैनो पार्टिकल्स को यूज करना नैनो रेमिडेशन मतलब नैनो पार्टिकल्स को यूज करना ताकि हम इन्वायरमेंट को दोबारा से अच्छा कर पाए बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा फटाफट बताओ यस yes, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हम क्या करते हैं केमिकल ऑल्ट्रेशन कर देते हैं केमिकल चेंजेस केमिकल ऑल्ट्रेशन करते हैं हम यहाँ पे समझ आया सो so, यहां पे हम क्या करते हैं केमिकल ऑल्ट्रेशन एज न्यूट्रिएंट्स अमिनियो एसिड टॉक्सिन इनको बदल देते हैं हमारी बॉडी में सो दैट इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया आप लोगों को जी टॉक्सिन वगैरह को आपकी बॉडी में बदल देना डेट इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन ध्यान से समझना है मैं रिपीट कर देता हूं माइक्रो रेमेडिएशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं ताकि उसका इफेक्ट को कम कर दें इससे ये नहीं हुआ कि उसको पर्टिकुलर पूरा का पूरा हमने खत्म कर दिया पूरा का पूरा खत्म अगर करना है तो बायो रेमिडेशन यूज़ किया जाएगा अगर आप नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं तो नैनो रेमेडिएशन होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं जितने भी जो है आपकी लाइफ रिलेटेड चीज़ें हैं केमिकल टॉक्सिन यूज कर सॉरी केमिकल अल्टरनेटिव यूज करते हैं जिससे हमारी टॉक्सिसिटी जो भी हमारी बॉडी में आए हैं अमिनो एसिड ड्रग्स इनको ट्रांसफॉर्म किया जा सके डेट इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर तो दिस इज बायो रेमिडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला क्वेश्चन बताइए एसिड रेन एसिड रेन इज कॉस्ड बाई इंक्रीज इन द एटमोस्फियरिक कंसनट्रेशन ऑफ जो एसिड रेन है वो अगर आप एसिड uh, रेन का कॉन्सेप्ट है क्या पहली बात हो एसिड रेन का कॉन्सेप्ट ये होता है जब भी हमारी एक ट्रोपोस्फेरिक लेयर है और ऊपर है आपकी स्टेटोस्फेरिक लेयर ट्रोपोस्फेयर में एक होती है बैड ओजोन समझ आया और स्टेटोस्फेयर में होती है गुड ओजोन गुड ओजोन का काम क्या होता है आपके यूवी रेस को बचाना लेकिन बैड ओजोन क्या करती है नीचे से धरती से जितने भी आपके गाड़ियां वगैरह चल रही हैं और फैक्ट्रीज वगैरह हैं धुआं ऊपर जाता है धुआं ऊपर जाता है तो जो ओजोन होती है इसको आपको प्रोटेक्ट करके रख लेती है मतलब बचा के रख लेती है अपने इसको बाहर नहीं जाने देती इसको यहीं पर ही सीमेंट लेती है क्लाउड्स बनते हैं यहाँ पे रेनफॉल आती है जब रेनफॉल आती है ना तो यहाँ से ही आपकी रेन निकलती है और डैट रेन इज कॉल्ड एसिड रेन और इसमें मेन कॉम्पोनेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड

ऑक्सीजन से अगर ऑक्सीजन एक ग्राम आपका कंबाइन करता है तो 200 ग्राम कैपेसिटी इसकी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे आप फ्रियॉन भी कह देते हैं रेफ्रिजरेंट में यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट वगैरह में यूज़ करते हैं और ये हार्मफुल होते हैं एटमोसफियर के लिए आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड सो दिस इज द जो है आपका एसिडेंट का कॉन्सेप्ट अगला बताइए नॉकनी सिंड्रोम जो नॉकनी सिंड्रोम है वो क्या होता है यस yes. जी जी इसको आप रिकेट्स भी कह देते हैं इसको आप रिकेट्स भी कह देते हैं नॉकनी सिंड्रोम को रिकेट्स भी कह देते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है लेकिन यहां पे आपका पॉल्यूशन किसका फ्लोराइड क्योंकि फ्लोराइड में दो तरह की फ्लोरासिस होती है एक तो डेंटल फ्लोरासिस दांतों में और एक होती है स्केल्टल फ्लोसिस पूरी बॉडी में नॉकनी सिंड्रोम जो है वो स्केल्टल के कारण है तो इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा वन ऑप्शन फ्लोराइड के कारण बनेगा करेक्ट आंसर आर्सेनिक आपने देखा होगा वाटर पोल्यूशन का कंटेंट आपको देखने को मिलता है वाटर पोल्यूशन वाला ठीक है मरकरी से जो है आपका मिनी माटर डिजीज हो जाती है मिनी माटा डिजीज और एक्सेसिव कंजम्शन इज बैड कैडमियम इज इटाईटाई डिजीज इटाई इटाई डिजीज होती है कैडमियम से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर याद रखिए और मरकरी की ओर आपसे पूछ लिया जाती है डेट इज सीनाबार ठीक है तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फ्लोराइड की कंजम्पशन से देखने को आपको मिलता है सो दिस इज अ नॉकनी तो इस तरीके से जो नॉक हो जाती है ऐसे ठीक है दोनों की ऐसे टेडियाँ हो जाती हैं सो दिस इज कॉल्ड नॉकनी फ्लोराइड के कारण ये बो लेग्स होती हैं ठीक है और ये नॉर्मल लेग्स सेंटर अगला बताइए हाइस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल वार्मिंग कौन सा है कौन सी ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग करती है सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब एटमॉस्फेयर को गर्म कर देना एटमॉस्फेयर गर्म कर देना हीटिंग इफेक्ट शो करना डेट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग क्लियर हो गया जिसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कह देते हैं बहुत सारी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं लेकिन मेन जो आती है मेन गैस इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड तो आंसर नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा करती है इसके अलावा बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया नाइट्रस ऑक्साइड एन टू ओ भी आता है जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं एज ए एनेस्थीजा भी यूज़ किया जाता है तो दो हो गया तीसरा आता है आपका मिथेन मिथेन आता है सी एच फोर मार्श गैस दलदल वाली गैस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर फ्लोरोकार्बन और जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्लो पर फ्लोक्लॉम कार्बन और एक है सल्फर हैग्जाफ्रॉइड तो ये टोटल छः हो जाते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करते हैं और इंफ्रारेड रेज ये भी ग्रीन ग्रीन जो है ग्लोबल वार्मिंग करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं ओजोन इज ऑल्सो ओजोन भी करता है क्लियर वाटर वेपर वेरी इंपॉर्टेंट वाटर वेपर ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर आंसर नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड सो दीज आर दैसेस ग्रीन हाउस गैसेस अगला बताइए जी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ये किस चीज के लिए है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ये किस चीज के लिए है अगर आपको याद होगा रामसर साइड से हम डिस्कस करते हैं रामसर साइड क्लियर रामसर कॉन्वेंशन हुई थी रामसर साइट्स उसी डिनोट करते हैं 1971 में एक जो है कॉन्वेंशन हुई थी रामसर जिसमें हम वेटलैंड्स 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 को को बचाते हैं. को बचाते हैं हैं क्लियर डे कब होता है दो फरवरी को अब वेटलैंड को बचाना कंजर्वेशन करना ये तो ठीक है यूनेस्को का प्रोजेक्ट है ये लेकिन अगर हम बात करें उसमें एक रिकॉर्ड भी है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड क्या कहता है जिसमें ऐसे फैक्टर ऐसे ह्यूमन फैक्टर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स जो आपके वेटलैंड्स को खराब करेंगे उसके लिए जो है एक मॉन्ट्रेक्ट रिकॉर्ड साइन किया गया था उससे बचाने के लिए ये जो रिकॉर्ड है आपका देखने को मिलता है समझ आए आप लोगों को यस yes. तो ये कौन सा फैक्टर होगा सो दिस इज द इन्वेजिव एलियन नहीं ऐसा कुछ नहीं है वेटलैंड साइट अंडर द थ्रेट ऑफ यस आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर वेटलैंड साइड अंडर द थ्रेट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये गलत ये गलत क्लियर सो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका बी इज द करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट वन यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात कर रहा है इंडेंजर्ड स्पीशीज में आपका रेड डेटा बुक आती है रेड डेटा बुक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी सो दिस इज द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो आपकी दो साइट्स हैं जैसे लोकतक लेख है मनीपुर में लोकतक लेख मनीपुर में ये आपकी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है यहाँ पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क क्लियर दैट इज कॉल्ड आपका कैबुल लामजाओ सो दिस इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क क्लियर और केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मैंने आपको बता ही दिया कि ये रजिस्टर रिज, क्या करता है वेटलैंड प्रोटेक्शन ये जो आपकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से बचाना सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जी, जी। इनमें से ये सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया ग्रीन हाउस गैस सो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड ये दोबारा क्वेश्चन आ गया ऑलरेडी मैं डिटेल में इसको डिस्कस कर चुका हूं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये होते हैं एसिड रेन का कॉन्सेप्ट एसिड रेन तो आंसर नंबर बी अगला बताइए सो ये।, so, ये एक स्पीशीज़ है ये ठीक है तो ये स्पीशीज़ है आपकी किसकी स्पीशीज़ है ये नेम गिवन टू द स्पॉटेड ये किसकी स्पीशीज़ है ये मैमल की स्पीशीज़ है एक्चुअली यूडरमा मैक्यूलेटम ठीक है ये एक्चुअली क्या है दैट इज़ बैट्स यानी कि चमगादड़ और बैट्स जो होते हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस भी करते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव जो है खींच भी लेते हैं सो आंसर नंबर बी इज ए इज़ द करेक्ट आंसर और एक्चुअली वेस्पर बैट होते हैं वेस्पर वेस्पर बैट आंसर नंबर वन इज अ करेक्ट आंसर सो दिस इज अ बैट अगला बताइए विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टेन दसवा आपको बताना है देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को आपको मिलता है बट किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा का सीधा आया हुआ है तो मैंने डाल दिया यहां पे ताकि आपको पता लग जाए क्लियर अब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको मैंने बताया था कि आपको ऐसी चीजें यूज करनी है ऐसे यूज करना है जो आज आपके पास प्रेजेंट है उसको ऐसे यूज करिए ताकि आपकी फ्यूचर जनरेशन भी वो आपको यूज कर पाए क्लियर तो यानी कि प्रिजर्व करके रखना है हमें सारा गजारा तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल जो है मिली ियम डेवलपमेंट गोल जिसमें दसवां जो है वो किस चीज के लिए है ये क्वेश्चन है आपका यस yes, बताएंगे आप लोग कौन सा है ये बिल्कुल दिस इज अ रिड्यूस इन कि असमानताओं में कमी ये जो है आपका दसवा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें आपके ये सत्रह के सत्रह मैंने आपको बता दिए ये क्या है पॉवर्टी हंगर इसको मैं याद करता हूँ फ्यू वर्ड से फ्यू वर्ड से याद करता हूँ मेरे को छे तो सीधे सीधे याद रहते हैं फ्यू पी डबल एच ई डब्ल्यू फ्यू पॉवर्टी हंगर हेल्थ एजुकेशन इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी एंड वाटर के लिए बात करते हैं तो इसमें दसवां पूछा गया था तो डैट इज़ रिड्यूस्ड इन इक्वलिटीज क्लियर तो ये याद करना सो so, पढ़ लेना एक बार ये दसवा तो बहुत रेयर पूछ लिया है। इन्होंने हो सकता है वैसी कोई कोई बात हुई हो न्यूज़पेपर में आई हो कुछ बात ऐसे तो उसने पूछ लिया बट अदरवाइज आपको ये मतलब रीड तो करने ही चाहिए छः तो पहले पता ही होने चाहिए किसी भी तरीके से अगला देखिए जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था ब्रंटलैंड कमीशन ने ब्रंटलैंड कमीशन ने जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रंटलैंड उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट अगला क्वेश्चन देखिए द गोल्डन राइस कंटेन बीटा कैरोटीन जीन विच कम्स फ्रॉम ये कहां से आती है इनमें से किस स्पीशी से आती है जल्दी से जल्दी बताइए यस गोल्डन राइस जी बिल्कुल तो ये आती है डेफोडिल से आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर डेफोडिल इज द करेक्ट वन डेफोडिल क्लियर हो गया आप लोगों को जी फ्रॉम द डेफोडिल बिल्कुल सही आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी क्लियर हो गया यस आंसर नंबर बी डेफोडिल याद ही करना पड़ेगा आपको डेफोडिल सो गोल्डन राइस कंटेन्स बीटा कैरोटीन और ये मैं आपको बता दूं गोल्डन राइस जाती कहाँ पे है हमारी इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है कहाँ पे मनीला मनीला फिलीपींस वहाँ से है वहाँ पे हमारी जाती है बासमती राइस गोल्डन राइस आंसर नंबर बी इज द correct answer answer number b daffodils kyoto protocol is related to which yes kyoto protocol क्यूटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में एक आपकी मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वहाँ प्रोटोकॉल की बात करी गई और इन्होंने बात बोली कि जितने भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं उसमें से आपकी जितनी भी कंट्री हैं 5.2 परसेंट जो है पोल्यूशन को वो क्या करेंगी आपका कम करेंगी इमिशन को कम करेंगी ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन को कम करेंगी बाई टू थाउजेंड तक ये पांच पॉइंट जो पांच पॉइंट दो परसेंट जो है पोल्यूशन आपका कम करेंगे तो दिस अ क्योटो प्रोटोकॉल एंड क्योटो जो है एक जगह है जापान में एंड दिस इज फॉर व्हाट इज दिस दिस इज फॉर द क्लाइमेट चेंज आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी क्योटो प्रोटोकॉल दिखा देता हूं मैं यहां पे आपको दिस इज दिस इज अ लिंक टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेज की स्टेबिलाईजेशन के लिए और ताकि जो जितने भी आपके एंथ्रोबेनिक फैक्टर्स आए हैं यहां पर क्लाइमेट सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीजें करी जाती हैं तो दिस इज इम्पोर्टेंट वन जी ओजोन लेअर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम बिकॉज इट जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में वो इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों देखिए ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन लेयर आपकी स्टेटोसफियर में है समताप मंडल में है और ये करती क्या है यूवी रे से बचाती है हमें इट प्रिवेंट था एंट्री ऑफ अल्ट्रावाइल रेस ये ऑप्शन सही है एक्सरे वगैरह नहीं है ये सही नहीं है तो आंसर इसमें क्या बनेगा वन और एसिड रेन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि टॉपोस्फियर में बनता है क्लियर सो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर यूवी रे से बचाती है स्टेटोस्फियर में होती है स्टेटोस्फियर वही है जहाँ पे आपके जेट प्लेन चलते हैं जेट प्लेन्स चलते हैं आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर आंसर नंबर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर यहां पे देखिए स्टेटोस्फेरिक ओजोन लेयर कंप्लीटली स्टॉप द पेनिट्रेशन ऑफ यूवीसी ये यूवीसी को तो बचा ही देती है मतलब यूवीसी को जाने नहीं देती लेकिन एलिमिनेट कर देती है मोस्ट ऑफ द यू बी रेज क्लियर सो इसीलिए जो है आपकी ओजोन जो है प्रोटेक्ट करके रखती है सोलर रेडिएशन से डेली बेसिस के ऊपर प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को हमारे पूरे की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखती है यस yes. अगला बताइए इनमें से ऐसे कौन से पत्ते हैं प्लांट हैं जो यूज़ नहीं किए जाते सिल्क वॉर्म को रियर करने के लिए उनको पालने के लिए सिल्क सिल्क वॉर्म को करना दैट इज कॉल्ड सीरीकल्चर इसको रियरिंग uh, करना पालना इज कॉल्ड सीरीकल्चर अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि कौन से प्लांट नहीं यूज़ किए जाते मलबरी किया जाता है कैस्टर किया जाता है ओक किया जाता है टीक नहीं किया जाता आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी क्लियर हो गया आप लोगों को दो तरीके की सिल्क होते हैं एक मलबरी एक नॉन मलबरी नॉन मलबरी जो होती है आपकी वो होती है वान्या सिल्क जिसे हम कहते हैं वान्या क्लियर नॉन 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 मलबरी इज द वान्या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये yes, यस सिल्क जी क्लियर और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं सार होगी एरी मुगा सो दीज आर सिल्क वेराइटीज वान्या सिल्क के टाइप्स हैं ये आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टीक इज द करेक्ट वन अगला बताओ जी इनमें कोरल रीफ हमें कहां नहीं मिलते कोरल रीफ हमें कहां पे नहीं मिलते जल्दी से जल्दी बताइए कोरल रीफ कहाँ नहीं मिलते कोरल्स जो होते हैं ये ग्रुप है आपका ठीक है दिखाता हूं मैं आपको ये पहले तो मिलते कहाँ नहीं है वो देखते हैं गल्फ ऑफ मनार में मिलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ में लक्षदीप अंडेमान निकोबार में भी मिलते हैं लेकिन ये गल्फ ऑफ कैम्बे ने नहीं मिलते आंसर नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर सीधा का सीधा क्वेश्चन है यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है ये आंसर नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर बे ऑफ कैम्बे सो यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे है गल्फ ऑफ कच्छ ये लक्षद्वीप वाला पार्ट मन्नार वाला पार्ट और अंडेमान निकोबार वाला पार्ट यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है डेट इज स्कोरल्स हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए एग्जैक्ट प्लेस वेयर is कॉल्ड एक व्यक्ति जहां पे रहता है उसको हम क्या कहते हैं जहां पे वो रहता है उसको उसका हैबिटेट कहा जाता है क्लियर आवास लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा नहीं हुआ तो इसीलिए हम टिक करेंगे क्या को टिक करेंगे तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर नीश क्या होता है नीश निजी नीश क्या होता है कि एक हैबिटेट में जहाँ पे आप रहते हैं आपका कोई फंक्शन होगा घर में कोई आपका फंक्शन है अगर उसका फंक्शनल रोल की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं नीश कहा जाता है याद रखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को यस yes. क्लियर और यहां पे इकोसिस्टम की बात करें लिविंग कॉम्पोनेंट नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट अगर इन्वायरमेंट के साथ आपका कंबाइन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं इकोसिस्टम कहा जाता है क्लियर हो गया आप लोगों को इको उसको कहते हैं यस yes. जी क्लियर और बायोम क्या होता है एक कम्युनिटी प्लांट्स और इको प्लांट्स uh, और एनिमल्स की जिसमें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं फॉर द इन्वायरमेंट तो दैट इज कॉल्ड बायोम यस शेयर्ड शेयर्ड जो हुआ है फिजिकल क्लाइमेट को शेयर करते हैं डैट इज कॉल्ड बायोम तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बी इज ए इज द करेक्ट आंसर एकोमोडेशन अदरवाइज यहाँ पे वर्ड एग्जैक्ट वर्ड इज हैबिटेट आना है ध्यान रखना पेपर में ये वर्ड ना आके हैबिटेट आएगा तो आंसर इसमें हैबिटेट टिक कर देना आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर जी अगला क्वेश्चन देखिए मीनिंग ऑफ अरिबदा अरिबदा वर्ड का मतलब क्या होता है यस अरिबदा वर्ड का मतलब एक्चुअली एक स्पेनिश वर्ड है ये ये उड़ीसा के अंदर अगर आपको पता हो गाहिर माथा बीच है गाहिर माथा बीच है उड़ीसा में वहां पे ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं और प्रॉपर तरीके से मास नेस्टिंग करते हैं उस मास नेस्टिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं अरिबदा कहा जाता है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर अरिबदा इज मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल ऑन द माथा बीच दैट इज इन द उड़ीसा आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज मास नेस्टिंग क्लियर सो so, यहाँ पे देखिए जी प्रॉपर तरीके से मास नेस्टिंग हो रही है इसको हम अरिबदा कहते हैं सो so, गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे जो है ई कर सकते हैं आपका कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम होता है यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों को बाकी आप जैसे अभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ी अगर आप मेरे से इन्वायरमेंट इकोलॉजी पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा टेन थाउजेंड एम सी क्यू कोर्स ले सकते हैं इसमें हमने एम सी क्यू फॉर्म में डिटेल में डिस्कस किया है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं मॉक टेस्ट के लिए कोई अलग से परचेज़ करने की जरूरत नहीं है और ये कूपन कोड लगाएंगे वीपन ट्वेंटी फाइव आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा जी एस कोर्स हमारा पूरा का पूरा थियरी कोर्स है बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज इसमें स्टडी करी गई हैं। अब आप इन कोर्सेज को कहाँ से ले सकते हैं दो जगह से एक तो स्टडी आई क्यू से ले सकते हैं जहाँ हमारी वेबसाइट स्टडी आई क्यू डॉट कॉम जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज यहां पे देखिएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स व्यू ऑल का बटन दबाना जी एस कोर्स तीसरे नंबर पे दिखेगा और टेन थाउजेंड एम सी की कोर्स आपको चौथे नंबर पे दिखेगा जो भी कोर्स अच्छा लगे परचेज करें प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं क्लियर मॉक टेस्ट की बात कर रहा था तो मॉक टेस्ट ग्यारह हमने अपलोड कर दिए हैं कहाँ पे टेन थाउजेंड एम सी के कोर्स में और इसमें जो लेवल होता है स्टेट पी सी एस और यू पी एस सी लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं बारवां भी मैं जल्दी इसके अंदर अपलोड करूंगा जैसे अपलोड होगा तो आपको बताया जाएगा क्लियर सो so, ग्यारह अपलोड हो चुके हैं सो थैंक यू सो मच गाइज ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से पढ़िए तैयारी कीजिए और भी हमारी बहुत सारी क्लासेज नई नई आएंगी सो गुड लक टेक केयर बाय जहिंद